एमपी में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीति गरमाई हुई है। अब एमपी में ही प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है और ये एफआईआर एक नहीं 41 जिलों में दर्ज की गई है। इसके बाद से भोपाल पुलिस जल्द ही प्रियंका गांधी को पूछताछ के लिए भोपाल बुला सकती है। प्रियंका गांधी नहीं, कुल 5 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रियंका गांधी, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, जयराम रमेश और शोभा ओझा, ये वो 5 नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एफआईआर लिखी क्यों गई और इसका क्या असर होगा, आइए सब कुछ विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर पर एमपी की शिवराज सरकार के ऊपर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया और इस आरोप को लगाने के पीछे एक चिट्ठी का हवाला दिया गया जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो चिट्ठी है, आप इसको देख सकते हैं। और इस चिट्ठी के जरिए प्रियंका ने दावा किया कि एमपी के ठेकेदारों के एक संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही पेमेंट होता है। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। एमपी में बीजेपी अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया, अब एमपी की बारी है और यहां भी 50% कमीशन वाली सरकार को यहां की जनता हटाएगी। इसी को लेकर अब यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि भाई इसमें केस दर्ज करने वाली क्या बात है। दरअसल जिस चिट्ठी के आधार पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है, यह चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल है। चिट्ठी लिखने वाले ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का यह शख्स कहां है अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना ही वो सामने आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है भी या नहीं ये भी पता नहीं। और यही वजह है कि भाजपा ने चिट्ठी को फर्जी करार दिया है और मनगढ़ंत बताते हुए आरोप लगाया है कि चिट्ठी के आधार पर हमें जो है इस वायरल चिट्ठी के आधार पर हमें बदनाम किया जा रहा है। अब पुलिस इसी मामले में केस दर्ज किया पुलिस ने और जल्द ही पूछताछ के लिए प्रियंका गांधी को भोपाल बुला सकती है। एक पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पत्र के थ्रू डिफेमेशन करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें आरोपी के रूप में जो पत्र लिखने वाले हैं ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिनके नाम की भी तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो कोई व्यक्ति है भी कि नहीं या कोई फर्जी नाम से वो पत्र भेजा गया है, तो उनका नाम शामिल किया गया है। उसके अलावा प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ जी, अरुण यादव, शोभा ओझा का नाम आया है, जिनके ट्विटर हैंडल से ये सारी खबरें चलाई गई थी, तो उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी शामिल किया गया। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर फर्जी लेटर के जरिए झूठ फैलाने का काम कर रही है। आइए कुछ भाजपा नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं। एक वायरल की उन्होंने चिट्ठी, इसमें नीचे लिखा ये हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते और स्वीकृत राशि में सिर्फ 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसपी को फोन किया और ओएसपी सर से मिलने पर उन्हें चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये पत्र, ये जो सोशल मीडिया में ये जो ज्ञापन वायरल हो रहा है, ये पूरी तरह झूठा है। ये संगठन भी झूठा है, संगठन का पता भी झूठा है और जो व्यक्ति है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरी तरह जांच में सिद्ध हो गया। पर प्रियंका गांधी ने बिना किसी मालूमात के ट्वीट किया है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ पे आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश पर कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, उसी के तहत दबाव बनाने के लिए हमारे खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन जनता इनको जवाब देगी।
आइए सुनते हैं कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं के इस मुद्दे पर बयान। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। प्रियंका गांधी जी पर FIR करना और सब जगह एक साथ करना इस बात का घोतक है कि लोकतंत्र की ये लोग हत्या करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि पहले हम गोरों से लड़े थे और हम मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। तो ये हैं आरोप और प्रत्यारोप, दोनों पक्ष के बयान आपने सुन लिए। कांग्रेस शिवराज सरकार को भ्रष्ट बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी लेटर का इस्तेमाल हो रहा है। किसके आरोप में सच्चाई है इसका पता तो जांच के बाद होगा, लेकिन दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सवाल नंबर एक, पहला सवाल यह है कि राजनीतिक आरोपों पर विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाना कहां तक सही है, और दूसरा सवाल यह है कि आरोप लगाने वाला शख्स जब खुद सामने नहीं आया तो वायरल चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाना किसी पार्टी पर, किसी सरकार पर, ये कितना सही है। एक बात जो यहाँ पर क्लियर है वो ये है कि नवंबर में होने वाले MP विधानसभा के चुनाव का बड़ा मुद्दा इस बार का भ्रष्टाचार होने वाला है। बाकी जो दो सवाल मैंने उठाए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।